नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बीपी स्पेशल कोर्ट का होगा गठन। बिहार में एक ही नंबर से बुक होंगी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस, किराया भी होगा। निचले स्तर के अस्पतालों के लिए खर्च की जाएगी इतनी करोड़ की राशि। बिहार के 18 शहरों में जम्मू कश्मीर जैसी सर्दी। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों को किया गया रद्द, तो कई परिवर्तित मार्ग से होंगी परिचालन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएसबीसी ने स्थगित की दो बड़ी भर्तियां। होमगार्ड सिपाही के 551 पदों पर भर्ती के लिए 7 और 8 फरवरी को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होने वाला था, लेकिन सीएसबीसी की तरफ से बिहार में केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग यानी कि होमगार्ड में सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जिसका आयोजन 7 फरवरी 2022 से होना था। इसके साथ ही बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी से होने वाली थी, जो कि 22 फरवरी तक जारी रहने वाली थी। इस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिहार में 33 स्पेशल कोर्ट का होगा गठन। बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों का समाधान स्पीडी ट्रायल के तहत होने वाला है, क्योंकि शराबबंदी के मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए 33 नए कोर्ट का गठन कर दिया गया है। बिहार में पहले से ही 38 स्पेशल कोर्ट मौजूद है। ऐसे में और नए कोर्ट खुलने के बाद 71 कोर्ट में मामलों का निपटारा होगा। और गौर करने की बात यह है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, जिसके बाद शराबबंदी कानून के तहत तेजी से मुकदमे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि शराब मामलों में ट्रायल के लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार विधानमंडल का निर्णय हुआ था कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया जाए, और इसे लागू किया गया है। इस कानून को लेकर भी जो मुकदमे हो रहे हैं, उसकी सुनवाई भी जल्द हो सके, इसको लेकर हमने स्पेशल कोर्ट का गठन कर दिया है। बिहार में एक ही नंबर से बुक होंगी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस, किराया भी होगा फिक्स। अब सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए आपको अलग अलग नंबर को डायल नहीं करना होगा, बल्कि एक ही नंबर पर अब सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस दोनों की बुकिंग आप कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में चल रहे सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एक ही नंबर से जोड़ने की कोशिश तेज कर दी गई है। सभी सरकारी निजी एम्बुलेंस का एक ही नंबर 102 होगा, जिसको डायल करने पर पीड़ित तक सहायता पहुंचेगी। सड़क हादसे में हताहत की संख्या कम करने और त्वरित मदद के लिए यह निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को शुरू होने में अभी लगेगा वक्त। बीते कुछ दिनों पहले ही बिहार में पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को लेकर जानकारी निकल करके सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बिहार में फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब इसके शुरू होने में देरी की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में लगभग 7 करोड़ की योजना से तैयार हो रहा बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू होने में वक्त लग सकता है। कादिराबाद स्थित बिजली विभाग के तालाब पर तैयार हो रहे सोलर प्लांट काम में मीटर जांच, पावर ग्रिड से प्लांट को कनेक्ट करने सहित कई अन्य काम अभी अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण निर्धारित समय सीमा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्लांट शुरू नहीं किया जा सका है। बता दें कि प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। निचले स्तर के अस्पतालों के लिए खर्च की जाएगी इतनी करोड़ की राशि। बिहार के पंचायती और शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज को लेकर सुविधा बनाई जाने वाली है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सबसे निचले स्तर पर संचालित किए जा रहे अस्पतालों में सामान्य मरीजों के लिए जांच और इलाज की व्यवस्था शुरू करने वाला है। इसको लेकर नए नए उपस्कर कमरों के निर्माण और अन्य जरूरतों को पूरा किया जाना है। खबरों की माने तो पंचायतों और शहरी क्षेत्र के वार्ड में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र और अन्य अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर 1116 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी अस्पताल पर 904 करोड़ रूपए खर्च करने की योजना है, जबकि शहरी क्षेत्र के वार्डो में स्थित अस्पतालों पर 212 करोड़ रूपए खर्च करने की योजना बनाई गई है, जिससे आने वाले समय में मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्रों पर लगाया जाएगा सीसीटीवी कैमरा, माइकिंग की होगी व्यवस्था। इंटर परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर अगले महीने से शुरू होने वाले परीक्षा में हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की तैयारी है, जिससे कि कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके। इसको लेकर राज्य भर में 1471 परीक्षा केंद्र पर लगभग 11,768 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को दे दी गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी को सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके लिए हर स्कूल में कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे पर केंद्राधीक्षक को नजर रखनी होगी। इसके साथ ही परीक्षार्थी के बीच हर सूचना समय पर पहुंचाई जाए, इसको लेकर हर केंद्र पर माइक की व्यवस्था भी
हो जाएगी। केंद्र पर प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक की सूचना माइक से ही दी जाएगी। बिहार के 18 शहरों में जम्मू कश्मीर जैसी सर्दी। बिहार में सर्दी का सितम जारी है, जिसके तहत ही बिहार के कई जिलों में फिलहाल शीतलहरी तो देखने को मिल ही रही है। वहीं कई जिलों की हालत जम्मू कश्मीर जैसी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम पारा जम्मू से भी कम रिकॉर्ड किया गया। बिहार के इन शहरों में जम्मू के मुकाबले 2 से 3 डिग्री तक तापमान में अंतर देखा गया। भारी ठंड झेल रहे राज्य के प्रमुख शहरों में पटना, गया, पूर्णिया, छपरा आदि शामिल है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को जम्मू का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पूर्णिया में 9.5 डिग्री, छपरा में 8.3 डिग्री, दरभंगा में 9.4 डिग्री, मोतिहारी में 7.6 डिग्री, शेखपुरा में 9.2 डिग्री, सीतामढ़ी के पिपुरी में 8.8 डिग्री, अररिया में 9 डिग्री, औरंगाबाद में 7.9 डिग्री, बेगूसराय में 9.8 डिग्री, हरनौत में 8.4 डिग्री, समस्तीपुर के पूसा में 8 डिग्री और सहरसा के मानपुर में 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कलर्स के हुनरबाज में दिखेगा बिहार के लाल के हुनर का कमाल। लोकप्रिय टीवी चैनल कलर्स पर शनिवार से रियलिटी शो हुनरबाज का आगाज हो गया है, जो कि बिहार के लिए भी बेहद ही खास है, क्योंकि इस शो में बिहार के भागलपुर जिले के एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा अपने हुनर के कमाल से करण जौहर, मिथुन चक्रवर्ती और परिणीति चोपड़ा सहित लाखों दर्शकों का दिल जीत चुका है। इस हुनरबाज में बिहार के इस युवक का कमाल आज रात के एपिसोड में देखा जा सकता है। एपिसोड का प्रसारण रात 9 बजे किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोरादीह प्रखंड के जमसी गांव निवासी एक टैक्सी ड्राइवर का पुत्र आकाश इन दिनों छोटे और बड़े पर्दे पर सितारा बनकर उभरा है। कलर चैनल पर हुनरबाज देश की शान नामक कार्यक्रम के एपिसोड में आकाश अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आने वाला है। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों को किया गया रद्द, तो कई परिवर्तित मार्ग से होंगी परिचालित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें 25 जनवरी तक रद्द कर दी गई हैं और कई के रूट को ही डायवर्ट कर दिया गया है। पूर्व रेलवे मालदा टाउन मंडल में रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच दोहरीकरण काम के मद्देनजर रतनपुर और जमालपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है, जिसको लेकर इस रेलखंड से चलने वाली पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही कई ट्रेनों को डायवर्ट भी कर दिया गया है, जिसके तहत आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। इसके अलावा भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ, भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस, दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस, साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल बांका एक्सप्रेस और बांका राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर फिर से लगा ग्रहण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जारी बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने को लेकर ही बेरोजगारी हटाओ यात्रा का आह्वान करने वाले हैं। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण उनकी इस यात्रा पर एक के बाद एक ग्रहण जरूर लग रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि खरमास के बाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अब यात्रा उनकी संभव नजर नहीं आ रही है। संभावना है कि 6 फरवरी के बाद बड़े आयोजन पर सरकार के प्रतिबंध लागू रह सकते हैं, जो आगामी बजट सत्र तक लागू रहेंगे। ऐसे में ये यात्रा खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा है कि बजट सत्र से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर रोजगार के मुद्दे पर अपनी स्थिति मजबूत की जाए। जदयू प्रदेश कार्यालय में पहले दिन जमा हुए 1 करोड़ के चेक। बीते दिन से जदयू की तरफ से राज्य में स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत ही पहले दिन प्रदेश कार्यालय में 1 करोड़ से अधिक चेक पार्टी कोष में जमा करवाए गए हैं। वहीं पूरे राज्य में ये राशि 8 करोड़ तक पहुंच गई है। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस अभियान की शुरुआत की थी। वहीं पहले दिन जमा हुई राशि को देखकर सभी कार्यकर्ता रोमांचित दिखे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन से शुरू किए गए अभियान के तहत दल के नेताओं और कार्यकर्ता सहित शुभचिंतकों और समर्थकों ने उमेश कुशवाहा को अपने अपने योगदान का चेक सौंपा है। चिराग ने कहा, सीएम नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद बीते कई दिनों से जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवाने वालों के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ही विपक्ष के साथ साथ लोजपा रामविलास के चिराग पासवान भी हमलावर है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को आड़े हाथों लिया है। साथ ही साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये कैसी शराबबंदी है कि लोगों को आसानी से शराब मिल रही है और उसे पीने से उनकी जान जा रही है। सीएम नीतीश से अपना घर सुधर नहीं रहा और यूपी चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं। नीलगाय पकड़ने के लिए लेनी होगी मुखिया की अनुमति। नीलगाय का तांडव किसानों के खेत में हर साल देखने को मिलता है, जिसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। कई बार ऐसी ही जानकारी निकल करके सामने आई है कि नीलगाय को किसानों ने अपनी मर्जी से पकड़ लिया है और कई लोगों तो नीलगाय को मौत के घाट भी उतार देते हैं। ऐसे में अब नीलगाय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार राज्य के सभी नवनिर्वाचित मुखिया को एक नई जिम्मेदारी सौंपने जा रही है, जिसके तहत सरकार ने किसानों की फसल और बगान नष्ट करने के साथ ही मानव जीवन को हानि पहुंचाने वाले जंगली जानवर को पकड़ने की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित मुखिया को देने का फैसला लिया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी मुख्य से अनुमति लेने
के बाद ही और इसके लेकर ही सुअरों और नीलगाय को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा। दरअसल वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से इसको लेकर पंचायती राज विभाग को एक पत्र जारी कर दिया गया है। देश भर में कोविड 19 के मामलों में दिखी थोड़ी राहत। देश भर में कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3,33,533 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले 4,171 मामले कम है। वहीं दैनिक संक्रमण दर में मामूली वृद्धि हुई है। ये 17.22% से ऊपर 17.78% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,87,205 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,59,168 लोग ठीक भी हो गए हैं। ऐसे में अब तक कुल 3,65,60,650 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। एस श्रीशंत ने आईपीएल 2022 के नीलामी में शामिल होने के लिए करवाया अपना रजिस्ट्रेशन। लंबे समय तक क्रिकेट की दुनिया से बाहर किए गए एस श्रीशंत अब धीरे धीरे करके क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, जिसके तहत ही प्रतिबंध हटने के बाद ही भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीशंत आईपीएल में खेलने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने आईपीएल 2022 में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। खबरों की माने तो आईपीएल 2022 की नीलामी 12 और 13 फरवरी को आयोजित होने वाली है। इससे पहले नीलामी का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपने पंजीकरण को करवा लिया है। पहले भी आईपीएल में उन्होंने नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रीशंत ने साल 2013 में आखिरी बार राजस्थान के लिए खेला था। ESPN क्रिक इन्फो की माने तो आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए श्रीशंत ने अपना बेस प्राइस 50,00,000 रुपए रखा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दानिश शर्मा, रानी शर्मा, अरविंद कुमार, सज्जन कुमार, चंद्र पासवान, सुनीता स्टडी, प्रेम कुमार, प्रिया यादव, ललनदेव कुमार महतो, दिव्यांशु कुमारी, मोहित कुमार, नंदू कुमार, शुभम टीचिंग एकेडमी, संजय कुमार, किशन यादव, प्रमोद कुमार, पुष्पा कुमारी, विजय घायल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले आखिरी मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।